तो फ्रेंड अभी क्या चल रहा है, रेप को लेके किसी के अंदर कोई डर ही नहीं है। हैदराबाद में प्रियंका जी एक जानवरों की डॉक्टर थी, वो अपने हॉस्पिटल से रात को 8 बजे आ रही थी अपने घर, तो उसके स्कूटी का हो गया टायर पंचर। टायर पंचर हुआ वहाँ तो चौराहे में थी। उससे पहले अपने बहन को फ़ोन किया था, देखो बहन मेरी स्कूटी का टायर हो गया है पंचर, तो उसने बोला उसको कहीं खड़ा कर दे और तू गाड़ी उड़ी बुक कर और घर आ जा। तो इसने बोला कि दो लड़के हमारे मदद के लिए मतलब लिफ्ट दे रहे हैं, मैं उसमें आ जाती हूँ। तो दोस्तों हुआ ये, तो वो उस पर विश्वास करी और विश्वास करके उसके गाड़ी में बैठी, और वहाँ पे उसको गाड़ी में बैठने के बाद उसका रेप किया और उसका स्कूटी भी जलाया और उसको भी साथ में जला दिया जिंदा। तो दोस्तों इन सालों रेफरों के अंदर डर नाम की चीज़ ही नहीं है सालों में। तो दोस्तों आप लोग क्या करते हो, और हम और आप जो भी हो, हम लोग ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में रहते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो इन सब में लड़ने के चक्कर में रहते हो, लेकिन जो काम हमें करना चाहिए अपने इंडिया के अंदर वो काम तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो हमें अपने इंडिया के अंदर करना ये है, जो ये काम ये करते हैं इसको हमें सज़ा देना है और सज़ा दिलवाना है। ऐसा सज़ा दिलवाओ, ऐसा सज़ा का कानून लगाओ कि इन सालों में दोबारा रेप करने के लिए सोचे तो इनकी रोवे खड़े हो जाए। इनके रेप करने के नाम पे रोवे खड़े हो जाए, साले के लीन काट के चौराहे पे टांग दो। दोस्तों हम लोग डर से अपने लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, पढ़ने नहीं भेजते हैं। अरे हम उसको पढ़ाएंगे तो डॉक्टर बन जाएगी, तो ये होगा वो होगा फलाना ढिंकाना। बीमारी को हमें साफ करना है, आवाज़ उठाओ मिल के एकजुट। कल उसके साथ हुआ है, कल आपके बेटी के साथ भी हो सकता है, किन किन को किन किन के घर में हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों इसलिए हमें एकजुट मिल के आवाज़ उठाना है, और आवाज़ उठा के इन रेप के सिस्टमों को रोकना होगा, इस पे बहुत कड़ी से कड़ी कानून लगवाना होगा। क्योंकि सालों ने जब रेप करने के लिए सोचे तो उनके रोवे खड़े हो जाए, उनके रोंगटे खड़े हो जाए, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती कर न सके। ये ऐसी सज़ा दो कि उसको देख के दूसरा भी डर जाए। सज़ा हो तो ऐसी हो कि मौत मांगे उसको मौत ना मिले, ऐसी सज़ा होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ते हैं, हिंदुस्तान में काट मार होता है, लेकिन जो काम हमें करना चाहिए और करवाना चाहिए सरकार से वो काम तो हम न कर रहे हैं न करवा रहे हैं। जो काम हमें नहीं करना है वो काम के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं लड़ते। अरे भाई साहब जो काम के लिए हमें लड़ना है उस काम के लिए तो लड़ो, ताकि हमारे इस भारत देश का विश्वास बना रहे। कभी कोई काम पड़े तो कैसे जाएगी कोई लेडीज। बहुत सारा जगह पे उसका घर में कोई नहीं होती है, लेडीज अकेली होती है, तो कैसे जाएगी बाहर। उसको कोई काम इमरजेंसी है, किसको लेके जाएगी, किसके साथ जाएगी, जब ऐसा काम ही हो रहा है। तो दोस्तों हमें एकजुट मिल के ये आवाज़ को उठाना है, और अगर हमारे इस बातों से सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और इतना फैलाओ कि ताकि वो साले की ऐसी सज़ा लगे, ऐसी सज़ा लगे कि दोबारा जो करने के लिए सोचे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। तो चलो दोस्तों ऐसे ही कुछ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखो, टाटा बाय।